उन्होंने बताया कि लूनर 25 हमसे अलग था, यहाँ पर जो उसके फेलियर हुए उसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की और यहाँ पर बताया कि चंद्रयान 3 अलग रूट से गया है और यहाँ पर यह भी बताया कि चंद्रयान 3 बिल्कुल से सक्सेसफुल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो डी बूस्टिंग का प्रोसेस है यानी जो आखिरी प्रोसेसिंग है यहाँ पर वो लगातार करी जा रही है और दोनों डी बूस्टिंग अच्छी तरीके से यहाँ पर की जाए। एक बार फिर से हमारे साथ सुरेश नायक जी जुड़ चुके हैं, उनसे लगातार सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपसे यहाँ एक बार फिर से जानना चाहूंगी कि यहाँ पर कहा जाता है कि जब लैंडिंग होने वाली होती है उस वक्त जो लास्ट मिनट ऑफ टेरर आप लोगों की लैंग्वेज में शायद कहा जाता है, तो वो जो 15 मिनट होते हैं वो बेहद डिफिकल्ट होते हैं और ये कहा जाता है कि उस वक्त साइंटिस्ट के हाथ में ये नहीं होता, लैंडर को अपने आप से वहां पर लैंड करना होता, तो ये कितना मुश्किल होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 मिनट का टेरर क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमारा चंद्रयान 2 जो है वो इसी टाइम फेल हो गया था, जब वो पृथ्वी चांद से 2.1 किलोमीटर ऊंचाई पे था उस टाइम उसमें काफी प्रॉब्लम आए थे। तो यहाँ जो हर एक मिनट का जो प्रोग्राम होता है वो बहुत ही क्रिटिकल जो बोलते हैं ऐसा होता है, क्योंकि उसको अगर पहले हार्ड ब्रेकिंग करना पड़ता है उस, अभी देखिए 6000 किलोमीटर पर आवर ये जो स्पीड है वो स्पीड तो 1.7 किलोमीटर पर आवर इतना कम करना पड़ता है, यानी 1000 बार उसका स्पीड कम करना पड़ता है और ये प्रिसाइज होना चाहिए और लैंडिंग साइट जो है वो लैंडिंग साइट भी प्रिसाइज होनी चाहिए। अगर वो गलती से गड्ढे में उतर गया, गड्ढे के पास एक उसका लेग चला गया, काफ़ी कठिनाई आ जाती है और उसकी जो वेलोसिटी है और ऊंचाई जो है वो काफ़ी इसके ऊपर नज़र रख के उसका जो थ्रस्टर ऑपरेशन अचूक यानी प्रिसाइज होना चाहिए।